येस स्टूडेंट्स नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हैड बिन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ थ्री ओवर फोर एंड वन ओवर फोर्थ एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन क्रेडिट दिए हैं जनरल रिजर्व दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं कैश एट बैंक बैंक बिल्स रिजिवेबल डाटा स्टॉक फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग सो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है सिर्फ यहाँ पर एक जनरल रिजर्व है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर इन रेशियो टू द ओल्ड पार्टनर्स ठीक है ये तो अब आप, आपको याद हो ही गया होगा नेक्स्ट है दे एडमिट सी इन टू द पार्टनरशिप ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन सी पेज फोर्टीन थाउजेंड एज इज कैपिटल फॉर वन फिफ्थ शेयर की फोर्टीन थाउजेंड वो कैपिटल लेके आ रहा है और उसका शेयर कितना है वन फिफ्थ है गुडविल इज वैल्यूड एट ट्वेंटी थाउजेंड तो ये गुडविल पार्टनर की गुडविल नहीं है ये पूरी फॉर्म की गुडविल है ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना सी इज अनेबल टू ब्रिंक कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल सो जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल लाने में असमर्थ हो गया इसका क्या मतलब है कि उसके हिस्से की जितनी गुडविल बनती थी वो उसे नहीं ला पाया ठीक है ये हमने केस कर लिया है स्टॉक एंड फर्नीचर भी रिड्यूस्ड बाई टेन परसेंट स्टॉक और फर्नीचर दोनों को रिड्यूस करना है टेन परसेंट से और पांच परसेंट प्रोविजन क्रिएट करनी है डेटस पे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है ट्वेंटी परसेंट से एंड लास्ट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स भी री एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग अरेजमेंट एंड एनी एक्सेस और डेफिशियर टू देयर करंट अकाउंट तो पिछली जो मैंने एग्जाम्पल करवाई थी वहां पर क्या था कि आपने कैश में की थी अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि करंट अकाउंट में करनी so, है हाँ, सो हम जो भी इसका डिफरेंस आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो वो हमें किस कहाँ पर ट्रांस आ, किस में ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट में करेंगे ठीक है जी सो so, सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं फटाफट स्टॉक और फर्नीचर दोनों रिड्यूस हुए हैं सो दैट मीन्स अगर स्टॉक और फर्नीचर दोनों एसिड्स हैं सो so, अगर रिड्यूस हुए हैं तो वो डेबिट साइड में जाएगा टू स्टॉक टू फर्नीचर टेन परसेंट से डिक्रीज हुआ स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हो गया टू थाउजेंड और फर्नीचर का वन थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हो गया हंड्रेड उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज हुई है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट लैंड एंड बिल्डिंग इसका ट्वेंटी परसेंट कितना हो गया फाइव थाउजेंड ठीक है उसके बाद उसने कहा है कि प्रोविज़न फाइव परसेंट क्रिएट करनी है डेटर्स पे सिक्सटीन थाउजेंड पर फाइव परसेंट लगाया सो so, प्रोविज़न आपकी आ गई टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितनी आ गई आपकी एट हंड्रेड ठीक है जी सो so, अभी आपने सारी अमाउंट्स डाल दी दिए रिवेल्यूशन अकाउंट में सो so हम इसका कर देंगे टोटल ये साइड बड़ी आ रही है हमारी फाइव थाउजेंड की और ये आ रही है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड सो हमारा आ रहा है प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा प्रॉफिट ट्वेंटी वन हंड्रेड so, सो ये ट्वेंटी वन हंड्रेड हम किससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स कौन है ए एंड बी और इनकी रेशियो कितनी गिवन है थ्री ओवर फोर एंड वन ओवर फोर सो दैट मीन्स थ्री ओवर फोर एंड वन ओवर फोर में अगर हमने इसे ट्वेंटी वन हंड्रेड को डिस्ट्रीब्यूट किया सो so इसे मिला वन फाइव सेवन फाइव एंड इसे मिला फाइव टू फाइव ठीक है जी सो so अब सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब जाएंगे सो so सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन तो पार्टनर कैपिटल कितनी है ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है बाय कैश कैश एट बैंक है सो बाय बैंक ठीक है बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है आपको तो बाय बैंक अकाउंट नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है फोर्टीन थाउजेंड सो फोर्टीन थाउजेंड यहाँ पर रीवेल्यूशन का प्रॉफिट आ गया बाय रिवेल्यूशन प्रॉफिट वन फाइव सेवन फाइव एंड फाइव टू फाइव जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में बाय जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व हमारा आ गया 4500 एंड 1500 ठीक है जी उसके बाद गुडविल की अमाउंट 20,000 अगर पूरी फर्म की गुडविल है तो 20,000 का वन फिफ्थ कितना आ गया 4,000 रुपीस है हाँ ना 4000 अब हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशो पर यहाँ पर वो नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा है सो हम यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट ये क्यों लिखा क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आ रहा उस आ, उसकी सिर्फ बनती गुडविल इतनी है वो लेके नहीं आ रहा जब वो लेके नहीं आ रहा तो हम उसका करंट अकाउंट क्या कर देते हैं क्रेडिट कर देते हैं सो ओल्ड रेशो ही उसकी फिर हम मान लेते हैं कि उसकी सेक्रीफाइजिंग रेशो होगी सो सी की करंट अकाउंट में कितने पैसे चला जाएंगे uh, अगर हम फोर को सेक्रीफाइजिंग uh, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो so, इसे चल जाएगा थ्री और इसे वन ठीक है जी अब मेन पार्ट जो हमने इस क्वेश्चन में करना है वर्किंग नोट्स सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं सो हमें पुराने पार्ट, ओल पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर गिवन है न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है सो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू वन रिमेनिंग शेयर कितना बचा ये तो हमने बहुत बार कर लिया है सो फिर भी मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ वन माइनस वन बाय फाइव सो दैट मीन्स फोर ओवर फाइव बचा ठीक है सो so, ए का न्यू शेयर बी का न्यू शेयर ओल्ड रेशियो है इसके थ्री बाय फोर और ये है वन बाय फोर मल्टीप्लाई कर दो फोर ओवर फाइव फोर ओवर फाइव सो थ्री फोर जेल्व ट्वेल्व ओवर ट्वेंटी फोर ओवर ट्वेंटी और सी का शेयर है न ओवर फाइव सो इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं फोर ओवर फोर फोर ओवर ट्वेंटी ठीक है सो दैट मीन्स रेशो आ गए ट्वेल्व रेशो फोर रेशो फोर कटिंग कर लेते हैं फोर वन जा फोर वन ज फोर थ्री जी रेशो वन रेशो वन ये आपकी आ गई न्यू रेशो ठीक है जी अब जो हमने करना है अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है सो दैट मीन्स सबसे पहला स्टेप क्या है न्यू पार्टनर की कैपिटल फोर्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर के शेयर के रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई सो फाइव ओवर वन सो फोर्टीन थाउजेंड इन टू फाइव ओवर वन किया तो मेरी अमाउंट आ गई यहाँ पर सेवनटी थाउजेंड सेकेंड स्टेप ये सेवेंटी थाउजेंड मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो ए बी एंड सी तीनों को सेवेंटी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में न्यू रेशियो में सो थ्री बाय फाइव वन बाय फाइव एंड वन बाय फाइव सो सेवेंटी थाउजेंड टू थ्री बाय फाइव ये आ गया इसका फोर्टी टू थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड एंड फोर्टीन थाउजेंड ठीक है जी ये देखिए थाउजेंड यहाँ पर भी हमारा सी का फोर्टीन थाउजेंड आ रहा है और हमारा already उसकी कैपिटल भी कितनी ही है, ऑलरेडीन थाउजेंड ठीक है जी अब यहाँ पर देखिए हमारी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एक ही जो साइड है क्रेडिट हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है सो ए की क्रेडिट साइड हमारी कम है और डेबिट साइड बड़ी है सो so, यहाँ पर अगर हम टोटल करें तो ये 42,000 आ रहा है 42,000 में से जब हमने ये साइड माइनस करके देखी सो so हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रही है 4425। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो भी एक्सेस और डेफिशिएंसी है वो कैसे एडजस्ट करनी है करंट अकाउंट से करनी है सो so, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ठीक है जी ये हो गया हमारा टोटल फोर्टी टू थाउजेंड बी का बी का जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी आ रही है वन एट फाइव टू फाइव के साथ सो so, हमारा बैलेंस अब कहाँ निकलेगा इस साइड में टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ए का ऑलरेडी निकल चुका है तो बी का एटीन फाइव टू फाइव में से फोर्टीन थाउजेंड माइनस किया तो इसका आ गया फोर फाइव टू फाइव ठीक है ये ऑलरेडी बैलेंस है फोर्टीन थाउजेंड और फोर्टीन थाउजेंड सो यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं निकलेगा और वैसे भी नए पार्टनर का को कोई बैलेंस निकलता भी नहीं है ठीक है जी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है अब बैलेंस शीट आ गई तो हम सीधा सीधा पहले ये कैपिटल अकाउंट्स उठा लेंगे कैपिटल अकाउंट्स ए बी एंड सी का ए का फोर्टी टू थाउजेंड बी का फोर्टीन एंड सी का भी फोटीन सो टोटल इज सेवेंटी थाउजेंड ठीक है जी अब दूसरी चीज़ इस साइड में एक करंट अकाउंट दिखा रहा है बी का हमेशा याद रखना कि अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में निकालते हैं यहाँ पर करंट अकाउंट है यहाँ पर भी करंट अकाउंट है जो डेबिट साइड का करंट अकाउंट होता है वो हमारा जाता है लेबिलिटी साइड में बीज करंट अकाउंट कितनी अमाउंट है फोर फाइव टू फाइव ठीक है और अगर ए का यहाँ पर आया है तो डैट मीन यहाँ पर लिखोगे एज करंट अकाउंट फोर फोर टू फाइव ठीक है हमेशा याद रखना अगर आप बैलेंसिंग फिगर्स करंट अकाउंट में निकालते हो तो जिस साइड में बैलेंसिंग uh, फिगर निकली है उसी साइड में आप बैलेंस शीट में भी डालोगे ठीक है जी उसके बाद ये सी का करंट अकाउंट भी जाएगा सी इज करंट अकाउंट कि जो वो कैपिटल अभी नहीं लेके आया फोर थाउजेंड की ठीक है ये भी चला गया सो नेक्स्ट देखते हैं हम क्रेडिटर्स में हमारा कुछ चेंज नहीं आया था सो so, हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे कितने के हैं थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है चलो अब आ, हमारी एसिड साइड स्टार्ट होती है सबसे पहले कैश एट बैंक इसकी हम अभी थोड़ी देर बात करते हैं एडजस्टमेंट उसके बाद बिल्स रिसिवेबल में कुछ नहीं चेंज था बिल्स रिसीवेबल आ गए थ्री थाउजेंड के डेटर्स माइनस प्रोविजन होगी क्यों क्योंकि हमने प्रोविजन यहां पर क्रिएट की है डेटर्स हमारे थे सिक्सटीन थाउजेंड के उसमें से माइनस करेंगे हम बैड डेट एट हंड्रेड सो हमारे डेटर्स कितने आ गए यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है जी उसके बाद स्टॉक स्टॉक टू थाउजेंड से डिक्रीज हो रहा है तो स्टॉक हमारा कितना बचा अभी एटीन थाउजेंड का उसके बाद फर्नीचर फर्नीचर हंड्रेड से रिड्यूज़ हुआ है तो फर्नीचर बचा गया हमारा नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड माइनस हंड्रेड ठीक है ऐसे अमाउंट्स माइनस कर करके कर है अगर इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस डिक्रीज है तो माइनस लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है सो लैंड एंड बिल्डिंग में एड होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड सोटेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड अगर मैं करूँ तो ये आ गया मेरा थर्टी थाउजेंड ठीक है जी अब कैश एड बैंक देखते हैं कैश एंड बैंक का ऑलरेडी बैलेंस हमारे पास है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस जो वो कैपिटल लेके आ रहा है कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो फोर्टीन थाउजेंड की ठीक है जी सो so, गुडविल uh, हम यहाँ पर ऐड क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके गुडविल के अमाउंट ये सीज करंट अकाउंट डाल दी है वो गुडविल की अमाउंट लेके नहीं आ रहा है सिर्फ उसके हिस्से की इतनी गुडविल बनती है और वो अभी अनएबल है कैश में लेके आने के लिए इसलिए उसका करंट अकाउंट यहाँ पर डाल दिया पर कैश एट बैंक नहीं डालेंगे क्योंकि वो अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में अभी नहीं लेके आया सो so, इसका टोटल कितना हो गया थर्टी ठीक है जी सो so, हमने सारी अमाउंट्स डाल दिए अब बैलेंस शीट में भी सो so, हमारी ये अब बैलेंस शीट जो है वो टैली कर गई है तो ये बन गई हमारी वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ठीक है जी तो मैंने आज आपको दो इलस्ट्रेशन करवाई हैं एक में आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश में निकला एक का बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में निकला ठीक है तो दोनों मैंने आपको आज फिर से समझा दी हैं पहले हमने लाइव क्लास में भी आ, दोनों कर चुके हैं दोनों तरह का क्वेश्चन करंट का वाला भी कैश वाला भी अब भी मैंने आपको दोबारा ये इलस्ट्रेशन करवा दी हैं एक्स्ट्रा जो दोनों के साथ आ, कैसे आपने सॉल्व करना है अगर करंट अकाउंट में अगर ट्रांसफर करने को आ जाए या फिर कैश में आ जाए ठीक है जी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए भी और आपके चाहे फ़ाइनल हो चाहे ये मिड टर्म एग्जाम और कुछ भी हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो तो इसके रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं अगर मैं कहूँ तो आपको सभी के सभी सॉल्व करने चाहिए क्योंकि कुछ कुछ चेंज आ जाते हैं हर क्वेश्चन में कुछ चेंज आ जाता है ठीक है ये चीज़ें तो तकरीबन सारी सेम रहती हैं बस फर्क आ जाता है रिवेल्यूशन वहाँ पर आपकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है सो so, अगर रिवेल्यूशन का ही अकाउंट का आंसर गलत आ गया सो दैट मीन्स आपका आगे भी आंसर सभी गलत ही हो जाएंगे सो इट्स बेटर कि आप रीवेल्यूशन uh, से स्टार्ट करें ठीक है कि मतलब uh, इसकी अमाउंट्स ध्यान से देखें कि क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है सो so दैट अगर आपका ये आंसर सही आ गया तो दैट मीन आगे कुछ गड़बड़ ना हो ठीक है सो so और जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ तो प्लीज इन चीज़ों को कहीं नोट कर लो अगर नोट नहीं करना वीडियो को दोबारा देख लो अगर कुछ समझ नहीं आती तो आ, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स से ही आपकी जो भी है इस क्वेश्चन की मिस्टेक होती है सो so, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना करंट अकाउंट को कैसे डील करना है और कैश अकाउंट को कैसे डील करना है क्लियर क्लास थैंक यू